नमस्कार। बोकारो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं हो रहा एसओपी का पालन। बोकारो के सदर अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में कोरोना के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वह चौंका देने वाली है। लेकिन विभागीय लापरवाही कहे या आम पब्लिक की अनदेखी, मामला जो भी हो, लेकिन बोकारो वासियों के लिए यह खतरा का संकेत है। मामूली लापरवाही से लोगों की जाने जा सकती है तथा पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। आना हो सब कुछ भीड़ लगी है, यहाँ एसओपी का पालन नहीं हो पा रहा है। एकाएक तीन दिन जो बंद रहा हम लोगों का वैक्सीनेशन, जनता में आतुरता इतना है कि हम पाले। तो इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो साहब को सूचना दिए हैं कि थोड़ा सा जो कोविड का प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन के लिए, उसको मैंने पूरा करने के लिए मदद करें। कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, देखते हैं कि। और हमने टीचर का भी डिप्लॉयमेंट किया है कि वो लोग सीरियल वाइज सबों को डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर में भीतर प्रवेश करने की अनुमति दिला सकें। यहाँ जो भीड़ दिख रहा है, इस भीड़ को देख करके आपको क्या लग रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या खतरा का घंटी है कि नहीं है? और इसलिए यहाँ जो भीड़ लगाए हुए है आदमी, वो जेरोक्स करके एक घंटा डेढ़ घंटा पहले जो पेपर जमा किया, उसमें भी उलट पलट हो रहा है। तो क्या करेगा, और देखने के लिए जाएगा? पेपर देखने के लिए जा रहा है। देखिए, हम भी जमा किया है। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार।